अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एसएनएन न्यूज। मैं हूं एसएन शहजाद। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपा की सलामी, इकबाल के मजार पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट भी शामिल हुए। सऊदी वजीर दिफा परेड के मेहमान खुसूसी थे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, हम मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर कर लेंगे। कौम जमहूरियत इंसाफ मसाफात के लिए पुर अज़्म का अयादा करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुर अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, उम्मीद है इकदाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पाने के लिए पुर उम्मीद है। बड़े अस्पतालों जिम क्लबों को सिस्टम से मुंसलिक करना लाजम करार। कंपनियां एलियट क्लब सेहत और तालीमी इदारे मुंसलिक होंगे। हेल्थ क्लब पर्सनल केयर हेल्थ केयर और स्मगलिंग क्लिनिक्स भी शामिल। FBR का नोटिफिकेशन जारी, इजलाक 1 जुलाई से होगा। कंपनी मुलाजमीन की तादाद दीगर क्वाइफ FBR को देना होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी KP वस्ती पंजाब में मतला जुजवी अबरे आलूद रहेगा। चंद मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 20 करोड़ डॉलर कर्ज का मुआहदा। रकम सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर खर्च होगी। रकम से 13 लाख अफराद के हालात में बेहतरी लाई जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऐसा ना।